अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.3 क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग, कि हमने फैक्टर बनाने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स की पावर 2 प्लस 3x माइनस 4x माइनस 12। अभी इनके हम फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। हम ये देख रहे हैं हमारे पास ना यहाँ फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, ठीक है। यहाँ भी एक्स है, इधर भी एक्स है। अब देखना यहाँ हमारे पास x की पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। आपने कॉमन उस पावर को लेना है जो छोटी पावर होगी। यहाँ x हमारे पास x की पावर 1 कॉमन आ जाएगा, तो बाकी फिर आएगा यहाँ x की पावर 2 था, x की 1 हम बाहर ले, x की 1 रहनी है, ठीक है। प्लस अब ये x बाहर आ, यहाँ हमारे पास 3 आ जाएगा। अब देखना है हमारे पास इन दोनों में कॉमन क्या है। अब यहाँ x है, यहाँ x है, फिर देखना है 4 को और 12 को हम किस नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं। इसको हम 2 पे डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद 4 पे कर सकते हैं। आपने कांस्टेंट का कॉमन निकालते हुए जो हमारे पास कह सकते हैं कि वो आपने नंबर कॉमन निकालना है जो दोनों जो आपके दिए हुए नंबर हैं उनको डिवाइड करता हो, और वो नंबर बड़े से बड़ा हो, तो हम इसको 4 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ 4 कॉमन आएगा, तो बाकी फिर आएगा एक्स आ गया बाहर, जो कि नेगेटिव है, साइन तब्दील हो जाएगा। अब 12 को आपने डिवाइड बाई 4 करना है, 4 3 12। अब देख रहे हैं हमारे पास इस कम्प्लीट में इसमें कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ भी x प्लस 3 है, इधर भी है, तो यहाँ पे कॉमन आएगा x प्लस 3, तो बाकी फिर आएगा x माइनस 4। तो यही हमारा आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट वन है y की पावर 2 माइनस 9y प्लस 3y माइनस 27। अब यहाँ ही दोनों में कॉमन देख रहे हैं क्या है हमारे पास। तो देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी है, तो वहाँ इधर y कॉमन आएगा, तो बाकी फिर आएगा यहाँ वाई की पावर 2 था, वाई की मान रहेगा माइनस। अब यहाँ वाई बाहर का मना चुके, यहाँ 9 आएगा। अब देखना है कि 3 को 27 को हम किस नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं, वो 3 है, तो यहाँ पे 3 बाहर का मना चुके, यहाँ वाई आएगा माइनस। अब 27 को हमें 3 पे डिवाइड करना है, 3 9 27। अब ये इनमें हमने कॉमन निकालना है, अब इनमें कॉमन क्या, वाई माइनस 9 इधर भी है, यहाँ भी है, ये कॉमन आएगा, ठीक है। y माइनस 9 कॉमन, उसके बाद आएगा y प्लस 3, जब ये कॉमन निकालेंगे तो बाकी ये भी रह जाएगा y प्लस 3, तो ये भी आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है x की पावर 2 माइनस 8x माइनस 4x प्लस 32। अब इनके कॉमन निकालेंगे तो यहाँ भी कॉमन हमारे पास x आ जाएगा, तो बाकी आएगा x माइनस 8। x की पावर 2 था, x की 1 बाहर कॉमन आ चुका है, तो x रह जाएगा माइनस x बाहर आ चुका कॉमन, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब उसके बाद देखना है कि 4 को 32 को हम किस नंबर पे डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें से हम 2 भी कॉमन निकाल सकते हैं, 4 भी, आप 4 कॉमन निकाल रहे हैं, यानी बड़ा नंबर कॉमन निकाल रहे हैं हमें। x अब आ चुका नेगेटिव है, साइन चेंज हो जाएगा। अब 32 को डिवाइड बाई 4 करेंगे, 4 8 32। अब ये और ये फैक्टर बनाते हैं, हमारे पास सेम आने चाहिए, ठीक है। अब ये कॉमन निकाल लेंगे x माइनस 8, उसके बाद x माइनस 4, यही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स की पावर 2 माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35। अब इन दोनों में कॉमन निकालते हैं, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी है, एक्स की पावर 1 कॉमन आएगा, तो बाकी आएगा हमारे पास फिर एक्स माइनस एक्स बाहर कॉमन आ चुका, यहाँ 7 आ जाएगा। उसके बाद इनमें कॉमन निकालना है, तो इसमें कॉमन आएगा हमारे पास माइनस 5, तो यहाँ एक्स आएगा बाहर, चूंकि नेगेटिव हमने कॉमन निकाला साइन, तो यहाँ प्लस है माइनस हो जाएगा। अब 35 को डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें कॉमन निकालना है हमने, अब इनमें कॉमन गया, यहाँ भी एक्स माइनस 7 है, यहाँ भी ये कॉमन है एक्स माइनस 7, तो बाकी आएगा एक्स माइनस 7 कॉमन आ चुके, बाकी आएगा एक्स माइनस 5। तो यही आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है x की पावर 2 माइनस 13x माइनस 2x प्लस 26। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी है, x की पावर 1 कॉमन आएगा, x की पावर 2 था, x की 1 रहेगा, माइनस x बाहर कॉमन आ चुका, यहाँ आएगा 13। उसके बाद इन दोनों में 2 को और 26 को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, वो 2 से, तो यहाँ 2 कॉमन आएगा, तो यहाँ पर आएगा x बाहर, चूंकि साइन नेगेटिव कॉमन निकालना है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, 26 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 13 26।
अब ये और ये हमारे पास कह सकते हैं कॉमन है, ये कॉमन ले लें हम एक्स माइनस आई डी, तो फिर बाकी आएगा एक्स माइनस टू। ठीक है, अब आपने इसका जो डाइवर करना है वो ये है कि एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 6 से 10 आप इधर मेन की प्रैक्टिस करनी है और इनको आपने होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।